माता जी बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। भीख कैसे मांगते हो, हट्टे कट्टे हो, मेहनत मजदूरी करो, कमा के खाओ ना। माता जी आपके आंगन की साफ सफाई कर देंगे, 5 रुपये तो कम से कम दे ही दो ना। नहीं नहीं हम तो साफ सफाई है कुछ नहीं, ऐसा ही चलता है, कुछ नहीं चाहिए हमको। 5 रुपये भी तो नहीं दिए यार, ये साफ सुथरा कर देते थे, इसी खानदानी लोग हैं यार ये। आप इतनी गंदगी में कैसे रह सकते हो? सर मैं बहुत लोगों को समझता हूँ सर, पर कोई सुनता ही नहीं सर मेरी। ये क्या है, इतनी गंदगी में आप रहते हो? अरे यही से तो बीमारियाँ शुरू होती है, आपको समझना चाहिए। आप जहाँ पे रहते हो ये सब आपको स्वच्छता में रखना चाहिए। आप अगर अपनी जगह की स्वच्छ नहीं रखोगे तो आप भी बीमार होने वाले हो। ये सोसाइटी है कि जंगल है, आप रहते कैसे हो यहाँ से? अरे सरपंच मित्र को बुलाओ और ये वो सांप को जल्दी से जंगल में छोड़ने को लगा, और वो सब साफ होना चाहिए जल्दी से। कल बंगले के सामने कुछ आदमी खड़े हुए थे, क्या हुआ था? वो बुड्ढी ना बुड्ढी की बच्ची है ना, वो सांप ने काटा। अच्छा हाँ, वो बच्ची गुजर गई। हाँ उस 8 दिन पहले एक बच्चा को दांत ने काटा, उसको डेंगू होगा, वो भी गुजर गया। कल हम लोग आए थे, उस माता जी को हमने कहा माता जी हमें कुछ 5-10 रुपया दे दो, हम ये कचरा उठा करके फेंक देंगे, और उसी कचरे से निकल करके उस लड़की को सांप ने काटा, उस बेचारे ने अपनी जान दे दी। भगवान की मर्जी है, ये भगवान की मर्जी नहीं अपनी मर्जी रहती है।